पक्ष का नाम सुनते ही मोक्ष की नगरी गया का नाम स्वतः ही आ जाता है। विष्णु पुराण में पिंडदान के लिए गया को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर कोई गया जी में एक बार अपने पितरों का श्राद्ध कर लेता है तो मृतक की आत्मा को सदा के लिए मोक्ष मिल जाता है और फिर बार बार श्राद्ध नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या जानते हैं, यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ साक्षात भगवान विष्णु जी के चरण मौजूद है। ये मंदिर बिहार के गया में स्थित है। यह विष्णुपद मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। इसे धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के गया में भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर स्थापित यह मंदिर पितृपक्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यहाँ साल भर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। कहा जाता है कि जो लोग गया में तर्पण के लिए आते हैं वो विष्णु मंदिर में भगवान के चरणों के दर्शन करने अवश्य आते हैं। परंपरा के अनुसार यहाँ भगवान के चरणों का श्रृंगार रक्त चंदन से किया जाता है। माना जाता है विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह ऋषि मरीचि की पत्नी माता धर्मवत्ता की शिला पर है। कहा जाता है कि राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मवत्ता शिला को लाया गया था, जिसे गयासुर पर रखकर भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाया। तभी से शिला पर भगवान के चरण चिन्ह आज भी मौजूद है। विश्व में विष्णु पद ही एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरणों के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण सोने को कसने वाले पत्थर कसौटी से बना है, जिसे जिले के अतरी प्रखंड के पत्थर कट्टी से लाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 100 फीट है और सभा मंडप में 44 पिलर है। 54 वेदियों में से 19 वेदी विष्णुपद में ही है। मंदिर के शीर्ष पर 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो सोने की ध्वजा लगी है। गर्भगृह में 50 किलो चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टपहल है, जिसके अंदर भगवान विष्णु के चरण पादुका विराजमान है। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने ही फल्गु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है सीता कुंड। कहा जाता है यही माता सीता ने महाराज दशरथ को बालू से बना पिंडदान किया था। कहा यह भी जाता है कि पौराणिक काल से ही विष्णुपद का यह स्थल अरण्य वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे विष्णुपद के मंदिर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।